हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू 10 डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर 22 जुलाई 2020। सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है आदेश। शासनादेश या किसी भी चीज़ को अगर आप अथॉरिटी या अप्रूवल या एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसको भी हम मैंडेट बोलते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट अगर आपका इलेक्शन में खड़ा है, वो जीतता है, तो उस जीतने का जो उसको जो जनता की तरफ से जो एक अप्रूवल और अथॉरिटी और एक्सेप्टेंस मिलता है, उसको भी हम मैंडेट बोलते हैं। एक ये मतलब होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि कोई गवर्नमेंट अगर कोई ऑफिशियल एक आदेश निकालती है तो उसको भी हम मैंडेट बोलते हैं। सो इसका सिमिलर वर्ड अगर बोलें तो गिविंग अथॉरिटी टू समबडी, अथॉरिटी, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, दीज आर टू थ्री सिमिलर वर्ड फॉर मैंडेट। सो सेकेंड वर्ड इज LITANY, लिटनी। अब लिटनी दो सेंस में यूज किया जाता है। लिटनी का एक्चुअली लिटरल मीनिंग जो है वो जो चर्च में जो प्रेयर करते हैं तो उसको भी लिटनी बोलते हैं। एक तो ये मतलब होता है। दूसरा मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार उसके उसका पिटीशन करते हैं, बार बार उसके उसके जो एक रिपीटेड सीरीज में जो उसके अगेंस्ट में कुछ आप कंप्लेन करते हैं या रिपीटेशन में रहते हैं, तो उस सेंस में भी यूज किया जाता है लिटनी वर्ड का। तो एक तो इसका मतलब होता है प्रेयर। अब जैसे प्रेयर आपका वन टाइम नहीं होता, प्रेयर आप रेगुलरली करते हैं, बार बार करते हैं, तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, अगर किसी किसी के अगेंस्ट में अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसको भी बोलते हैं लिटनी ऑफ कंप्लेंट्स। तो उस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। एनी प्रेयर और एनी इन्वोकेशन और एनी पेटिशन दैट यू आर डूइंग रेगुलरली रिपीटेड वे में अगर आप करते हैं उसको, तो उसको हम लिटनी बोलते हैं। थर्ड वर्ड जो है हमारा दैट इज रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर बिना किसी चेकिंग के फैलना स्टार्ट कर देती है तो उसको रैम्पेंट बोलते हैं। हिंदी में अगर आप बोलें तो अनियंत्रित या आक्रामक, ये दो वर्ड होते हैं रैम्पेंट के। इंग्लिश का इसका जो क्लोजेस्ट वर्ड है दैट इज अनकंट्रोल्ड और अनचेक्ड एंड वाइड स्प्रेड, मतलब जिसपे कोई कंट्रोल नहीं, जिसपे कोई चेक नहीं है और वो अपने आप फैलता जा रहा है विदाउट एनी कंट्रोल, तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज करते हैं रैम्पेंट का। इसका जो अपोजिट वर्ड है इंग्लिश में, अनकंट्रोल्ड का अपोजिट कंट्रोल्ड और अनचेक्ड का अपोजिट चेक्ड। सो कंट्रोल्ड और चेक्ड और अंडर कंट्रोल, दीज आर थ्री अपोजिट वर्ड फॉर रैम्पेंट। सिमिलर वर्ड जो है दैट इज अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड एंड वाइड स्प्रेड। थर्ड वर्ड जो है हमारा दैट इज फिनेस। अब फिनेस का मतलब होता है कि एनी इम्पॉर्टेंट स्किल या एक्सपर्टाइज अगर आपका किसी भी चीज़ में होता है तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे दिस पर्सन हैविंग फिनेस इन दिस वेरी फील्ड, तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज किया जाता है। That give having any special skill or any special delicacy in some field that is known as finesse. So जो इसका similar word है skill and expertise, skill and expertise का similar word finesse भी है, तो skill expertise की जगह finesse को भी आप use कर सकते हैं। Next जो word है that is emphasis। एम्फेसिस मतलब कोई बात अगर आप कह रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा अगर जोर दे के बोल रहे हैं, यू आर मेकिंग एनी पॉइंट वेरी इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पे वहाँ पे एम्फेसिस वर्ड का यूज करते हैं। कि किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर देना, तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाना, तो इसका जो सिमिलर वर्ड है इन इंग्लिश, एम्फेसिस मीन्स
इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी एक वर्ड है इसका। एंड थर्ड वर्ड जो इसका सिमिलर वर्ड है दैट इज प्रोमिनेंस, गिविंग प्रोमिनेंस टू एनी पॉइंट और एनी गिवन सिचुएशन। तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उसको ये बोल सकते हैं कि दैट यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन दिस वेरी थिंग। सो दीज आर थ्री सिमिलर वर्ड फॉर एम्फेसिस। अपोजिट जो वर्ड है एम्फेसिस का दैट विल बी इग्नोरेंस। एम्फेसिस मीन्स यू आर स्ट्रेसिंग ऑन समथिंग, इग्नोरेंस मीन्स यू आर इग्नोरिंग दैट वेरी पॉइंट। सो दिस इज द अपोजिट वर्ड फॉर एम्फेसिस। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज मैन्यूवर। मैन्यूवर का अगर एग्जैक्टली हिंदी मतलब बोलें तो बोलते हैं पैतरेबाजी। ये इसका हिंदी मतलब होता है। किसी जैसे आप किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर गिवन डायरेक्शन में, एक प्लान डायरेक्शन में अगर आप उसको डायरेक्ट करते हैं, नेविगेट करते हैं, या उस डायरेक्शन में आप पूरे सिचुएशन को इस तरीके से बनाते हैं कि जो आप आउटकम चाहते हैं उसी डायरेक्शन में अगर वो चीज़ जाना स्टार्ट हो जाती है, सो इट इज़ सेड दैट यू आर मैन्यूवरिंग दिस वेरी सिचुएशन और यू आर मैन्यूवरिंग दिस एक्शन। तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज करते हैं व्हेन यू डायरेक्ट समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद एजेंडा और विद प्रॉपर स्किल एंड केयर। तो वहाँ पे इस वर्ड का यूज करते हैं। सिमिलर वर्ड जो है इसका इंग्लिश में दैट इज डायरेक्ट, नेविगेट। नेविगेट ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस वर्ड को। डायरेक्ट, नेविगेट एंड स्टीयर। स्टीयर मीन्स टू कंट्रोलिंग समथिंग, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है। सो वहाँ ये उससे आप रिलेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग जैसे किसी भी डायरेक्शन में आपकी गाड़ी को कंट्रोल करके ले जा सकता है, तो ये मतलब होता है मैन्यूवर का। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज ऑब्लिक्यूली। ऑब्लिक्यूली मतलब होता है कि इनडायरेक्टली। जैसे आप कोई एक पॉइंट अपना कोई पॉइंट एक रखना चाहते हैं बट यू आर नॉट इन इन दैट पोजिशन कि आप उस पर डायरेक्टली बात कर सकें, तो आप इनडायरेक्टली जो हिट उस बात को डिस्कस करते हैं, तो उस सेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं हम। अपोजिट सिमिलर वर्ड जो है ऑब्लिक्यूली का दैट इज इनडायरेक्टली साइडवेज भी एक इसका सिमिलर वर्ड होता है। अपोजिट वर्ड अगर बोलेंगे तो इनडायरेक्टली का अपोजिट हो जाएगा आपका डायरेक्टली। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है ऑब्लिक्यूली का। मतलब आप किसी भी चीज़ को अगर आप ऑब्लिक्यूली मीन्स यू आर टारगेटिंग दैट इनडायरेक्टली एंड इफ यू आर टारगेटिंग दैट डायरेक्टली सो दैट विल बी अपोजिट केस फॉर दिस वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज वैनगार्ड। अब वैनगार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अगुवाई करना। मतलब यू आर हेडिंग दैट थिंग और यू आर लीडिंग दैट थिंग। सो वैनगार्ड का जो सिमिलर वर्ड है इंग्लिश में दैट इज हेड और लीड। ये दो सिमिलर वर्ड हैं वैनगार्ड के इंग्लिश में। किसी भी सिचुएशन के अगर आप अगुवाई करते हैं तो उसमें किसी भी सिचुएशन के अगर आप फ्रंट रनर हैं और यू आर लीडिंग दैट वेरी काज, तो वहाँ बोल देते हैं दैट दिस पर्सन और दिस कंट्री इज़ वैनगार्डिंग दिस सिचुएशन इन दिस डायरेक्शन। तो ये मतलब होता है वैनगार्ड का। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि परम आवश्यक या अनिवार्य। मतलब इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो ये मतलब होता है कि कोई भी अगर एक आदमी है उसके पास ऐसी स्किल है कि वो काम सिर्फ वही कर सकता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर दिस जॉब। वेरी इसेंशियल।
सो इसका इंडिस्पेंसिबल का अगर सिमिलर वर्ड बोलें इंग्लिश में, दैट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। वाइटल भी एक होता है इसका पॉइंट, वाइटल नेसेसरी और इसेंशियल, ये सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अपोजिट वर्ड अगर आप बोलें तो इसका होगा डिस्पेंसिबल और नॉन इसेंशियल, मतलब जिसको आप इजीली रिप्लेसेबल है, मतलब दैट इज मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं रहेगी तो उसके बिना काम नहीं होगा, तो वो होता है अपोजिट। इंडिस्पेंसिबल मीन्स इररिप्लेसेबल, आप उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज रिवाइटलाइज। अब रिवाइटलाइज का मतलब होता है किसी चीज को पुनर्जीवन देना। वाइटलाइज मीन्स वाइट, रिवाइटलाइज मीन्स पुनर्जीवन देना। अब रिवाइटलाइज का जो सिमिलर वर्ड है दैट इज री इनर्जाइज। और अगर आप किसी गिवन सिचुएशन को अगर उसमें पावर डालने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अगर कोई स्टेप उठाते हैं तो वहाँ भी इस वर्ड का यूज करते हैं। तो गिविंग समथिंग अ न्यू एनर्जी और गिविंग समथिंग अ न्यू स्ट्रेंथ, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवाइटलाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।